भाजपा में बहुचर्चित स्टेशनरी घोटाले की जांच के लिए गठित अविनाश ठाकरे समिति द्वारा आज जांच रिपोर्ट महापौर दयाशंकर तिवारी को सौंपी गई है। 14 सभा लेकर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है और प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार की गई। आज ठाकरे समिति द्वारा 14 सभाओं द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट महापौर दयाशंकर तिवारी को सौंपी गई है, जिसके बाद अविनाश ठाकरे द्वारा पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि सभी प्रशासकीय अधिकारी एवं जिनके जिनके नाम या परिस्थितिजन्य सबूत थे उनकी प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जाँच की गयी। महासभा मध्ये माननीय महापौर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार समितीने आपल्या कामकाजाला सुरुवात केली आणि साधारणतः 14 सभांमध्ये आम्ही हा 14 सभा आमचे या अहवाल तयार करण्याकरता आतापर्यंत झालेले आहे। सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि जे जे या अहवालामध्ये ज्यांचे ज्यांचे नावं होते किंवा स्थितीजन्य पुरावे होते त्या सर्वांवर आम्ही पूर्ण त्यांची चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला। आमच्यासोबत निवृत्त न्यायाधीश मुळेसाहेब असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला व्यवस्थित डायरेक्शन देऊन त्या अँगलनी आम्ही चौकशी केल्यामुळे हा अहवाल संपूर्ण जरी झाला नसेल तरी प्राथमिक तथ्य आम्ही अहवालामध्ये आणू शकलो आणि हा लवकरात लवकर जे आम्ही अहवाल आणू शकलो त्याचं श्रेय संपूर्ण समितीला जातं, कारण सकाळी दुपारी 12 वाजतापासून संध्याकाळी 6-6 वाजेपर्यंत मीटिंग्स या सभा चालायच्या आणि सतत कामकाज केल्यामुळे जरी दिवस कमी असले तरी मॅन अवर किंवा या जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हुई, लेकिन प्राथमिक जांच रिपोर्ट तैयार हुई है। पूरी जांच की रिपोर्ट के लिए और थोड़ा समय लगेगा और जल्द ही पूरी जांच रिपोर्ट तैयार होगी, ऐसा ठाकरे द्वारा कहा गया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।